मंच पर बैठे हुए सभी नेतागण, यहाँ पर पधारे हुए हमारे मीडिया के दोस्तों, सारे नाम लेने की वजह से यही बेहतर होगा कि जो कोई इस स्टेज पे बैठे हैं सभी को मैं नमस्ते करते हुए अपना चार शब्द आपके सामने रखूंगा। आज की ये जो बैठक हुई, ये बहुत ही ठीक ढंग से सभी पार्टियों ने मिलके चलाया। इसका उद्देश्य क्या था, ये तो उद्धव ठाकरे जी ने कहा है और हम इसकी कोशिश बहुत दिन से कर रहे हैं। जब मैं बेंगलोर में था, उस वक्त भी जो वहाँ पर मीटिंग हो गई थी, इससे पहले पटना में हो गई थी, उसके पहले तैयारी के लिए हमने मेरे घर पर भी राहुल साहब और नीतीश साहब, तेजस्वी और हमारे पवार साहब सभी मिलके एक बार बात किए, उसका एक ढांचा बना। उसके बाद जो नीतीश साहब के पटना में पहला मीटिंग हुआ, उस मीटिंग में एक एजेंडा तय करने की बात हो गई और उसके बाद में बेंगलोर का हुआ। अब यहाँ पर मुंबई में आज सभी लोग मिलके अपनी बात को रखे और खास करके सभी को एक ही, सबका उद्देश्य एक ही है कि महंगाई को कैसा कम करें, इसके लिए कैसा लड़े, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए कैसा हम लड़े। और इतने प्राइसेस जो बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के, और खास करके मोदी जी हमेशा 100 रुपए बढ़ाते हैं, 2 रुपए कम करते हैं। अब पेट्रोल की, एलपीजी की जो दाम थी वो मोर आर लेस डबल हो गई, लेकिन उन्होंने उसमें से सिर्फ 200 रुपए कम किया, यानी 700 बाकी रहा। यानी पहला जो 55 रुपए में एक सिलेंडर मिलता था, उसको उन्होंने अभी भी 70 रुपए में ही रख, 70-75 में रखा, यानी कोई कम नहीं हुआ। पहले जो था उससे ज़्यादा बढ़ाए थे, उसको थोड़ा कम करके, लेकिन इससे लाखों रुपए उन्होंने कमाया। ये तो गरीबों से चोरी कर दिए और गरीबों के जो काटे, और लोगों को दिखाने के लिए 100-200 रुपए कम करना और कहना कि मैं गरीबों के लिए काम कर रहा हूँ। मोदी साहब गरीबों के लिए कभी भी काम नहीं करेंगे, ये यकीन मैं दिलाता हूँ, क्योंकि उनकी हमेशा यही रणनीति रही है कि गरीबों के खिलाफ काम करते हैं। बड़े बड़े उद्योगपति के साथ वो मिलजुल के चलते हैं। और यहाँ पर तो कल ही एक रिपोर्ट आपके सामने राहुल गांधी जी ने रखा था, अडानी की संपत्ति बढ़ गई कैसी, बढ़ाए कौन और कैसा, आज कम से कम 75,000 करोड़ रुपए गरीबों के जो पैसे थे उनके जेब में कैसा गया, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताया। तो ये जो है, इसके खिलाफ लड़ने के लिए जो बड़े बड़े सरमाएदार है और उनको जो पैसा जा रहा है हमारा गरीब का, तो उसको रोकने के लिए इंडिया जीतना जरूरी है। और इंडिया जीतने के लिए ही इस मंच पे सभी लोग बैठे हैं। तो इसीलिए हम एक
जो तय किए हैं, जो रेजोल्यूशन भी हम आप देखे हैं, और उसी ढंग से उस रेजोल्यूशन पे काम करेंगे। हर जगह मीटिंग करेंगे, हर स्टेट कैपिटल में हम जाएंगे, और जो ये मुद्दे हैं, इन्फ्लेशन का हो, अनएम्प्लॉयमेंट का हो, हर चीज की जो बढ़त हो रही उसका हो, और ऑटोनोमस बॉडीज को सत्यानाश कर रहे हैं, और चाहे ईडी, सीबीआई, विजिलेंस, हर एक ऑटोनोमस बॉडी का मिसयूज कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं भी मोर आर लेस शरद पवार जी साहब के बाद मेरा नंबर लगता है, मैं भी 55 साल से पॉलिटिक्स में हूँ और 52 साल से एमएलए, एमपी, राज्यसभा का मेंबर हूँ। मैं ऐसा नहीं देखा, कोई ऐसा चीफ मिनिस्टर किया नहीं ऐसा, लेकिन आज मोदी सडनली और एक बात की कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को नहीं पूछे, अपोजिशन लीडर को भी नहीं बुलाए, किसी को बुलाए बगैर वो पार्लियामेंट का डेट देकर स्पेशल सेशन बुला रहे हैं। अरे स्पेशल सेशन मणिपुर जल रहा था तो आपने नहीं बुलाया, कोविड के वक्त नहीं बुलाया, जब आप चाइना अपनी जमीन हड़प कर ले रही है, कब्जा कर लिए, उसके लिए नहीं बुलाया। लोग तंग और तबाह, इसमें ये हमारा नोटबंदी के वक्त परेशान थे, माइग्रेंट वर्कर परेशान, उस वक्त नहीं बुलाया। जब जब मुल्क अपने मुश्किल में रहता उस वक्त उन्होंने कभी नहीं बुलाया, अब क्यों बुलाया मुझे मालूम नहीं, आज का एजेंडा क्या है उनका मालूम नहीं। तो ये देश चलाने की रीत नहीं है, ये उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता डिक्टेटरशिप के तरफ जा रहे हैं, और ये ध्यान में रखना चाहिए कि कभी वो मीडिया उनके साथ है, वो एक उनके दिमाग में है, प्रेस मीडिया हो, टीवी हो, ये सारी चीजें मेरे पास है, ये उनका कहना है, और हमको कभी कभी ऐसा दिखता भी है, माफ करो क्योंकि मैं ऐसा बोल रहा हूँ समझ के, आप गुस्से में आके हमारे खिलाफ मत लिखो। तो जो कुछ है वस्तु स्थिति, आपको भी मुंह को ताला लगाया, हाथ बंद दिए आपके भी लिखने के, ये सारी चीजें कर रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता डिक्टेटर के तरफ वो जा रहे हैं। तो हम इसके खिलाफ लड़ने के लिए, उनके विचारधारा के खिलाफ लड़ने के लिए, उनके जो कुछ भी ये करप्शन, बड़े करप्शन, उनके जो इंस्टीट्यूशनल करप्शन होते हैं, ऐसा छोटा मोटा करप्शन वो नहीं करते, लोगों को नहीं दिखना वो पूरा, लेकिन सीएजी रिपोर्ट में दिखाया है कितने करोड़ घपले हो गए हैं। तो उनका करप्शन इनविजिबल है, और वो हमेशा अपनी बात ये कहते हैं कि मैं किसी को न खाऊंगा न किसी को खाने दूंगा, लेकिन खाने तो सबको दे रहे हैं, अपने को जो चाहते हैं उनको तो दे रहे हैं, लेकिन लोगों को भूखे मार रहे हैं, लोगों को कुछ नहीं दे रहे। तो इसके लिए हम आवाज उठाए और उसके तहत हम काम करना है। आगे भी हमारी कहाँ मीटिंग होगी हम तय करने वाले हैं, जल्द से जल्द वो भी मीटिंग होगी, और बाकी के जो विषय हम आपके सामने रखे हैं मुद्दे, उनके ऊपर हम लड़ते रहेंगे। वो डराने की कोशिश करते हैं, हम डरेंगे नहीं, ये हमारा वायदा है, और हम हमेशा लड़ते रहेंगे और जीतते रहेंगे। और आज मुंबई में जो हमारे महाराष्ट्र विकास अघाड़ी जो ये स्टेप लेकर हमको बुलाए हैं, उद्धव जी लीड लिए हैं, और बाकी कांग्रेस पार्टी और एनसीपी सभी ने मिलके ये जो एक यहाँ पर कार्यक्रम रखा और बहुत यशस्वी हुआ, इसलिए मैं उन महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के सभी नेताओं को धन्यवाद देता हूँ, और आप सभी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आगे की और भी मीटिंग्स हैं, वो डेट टाइम सभी बताएंगे, और कहाँ कहाँ मीटिंग हमारी होगी
बहुत से 5-6 जगह पब्लिक मीटिंग होगी, वो भी हम आपको बताएंगे और काम करते रहेंगे और मजबूती के साथ काम करते रहेंगे। इसको ढीला करने की कोशिश मोदी जी कितना भी कोशिश करे, हम वो डरने वाले नहीं हैं। इसीलिए मैं इतना ही कहूँगा कि उन्होंने तो हमेशा मोदी जी झूठ बोलते ही रहते हैं, लेकिन लोग उनको सच समझते हैं। लेकिन अभी भी मराठी में कहावत है, खोटा बोला पर रेटून बोला, तो ऐसा उनका है। इसीलिए सब झूठ बोलते जाते हैं, लोगों में भ्रम डालते हैं, तो वो सबको हमको एक्सपोज करना है, हम करते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू खरगे साहब। डेफिनेटली इंडिया जीतेगी, लेकिन ये जीत की शुरुआत हो गई है पटना से, पटना की भूमि से, और हम सबको